हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। व्रत में हम शकरकंद का सेवन जरूर करते हैं, तो यहाँ मैंने शकरकंद का हलवा बनाने के लिए 500 ग्राम शकरकंद लिया है और इसे आधे घंटे के लिए पानी पहले भिगो कर 3-4 बार अच्छे से साफ धो लिया है ताकि इसकी मिट्टी वगैरह अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद सुखा कर इसके हम दोनों किनारे के हिस्से निकाल देंगे और सारा छिलका भी हम इसका इस तरह से छील देंगे। आप चाहे तो इसे छील कर भी धो सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हलवे का स्वाद बिगड़ जाएगा। यहाँ मैंने सभी शकरकंद को छील के अलग कर दिए हैं और अब हम इसे कट लगाकर एकदम फाइन काट लेंगे। शकरकंद जितना बारीक कटेगा हलवा उतना ही अच्छा बनता है। और यहाँ मैंने इसे काट लिया है और अब हम दूध में केसर डालकर इसे भीगने के लिए रख देते हैं। और अब हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे घी और घी को हमें हल्का सा ही गर्म करना है और 4 हरी इलायची के दाने हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम शकरकंदी इसमें डाल देंगे। यहाँ पर घी हमें धुआं निकलते तक गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म होगा और हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हम इसे मिक्स करके ढक देते हैं, 5 मिनट ढके रहने देंगे। और आँच हमें यहाँ पर धीमी ही रखनी है दोस्तों। शकरकंदी बहुत जल्दी पकती है और तो इसे हमें धीमी आँच पर ही पकाना है। और ये देखिए 5 मिनट के बाद ये आधी से ज़्यादा गल चुकी है, क्योंकि इसमें घी जो है रिलीज होने लगा है। तो अब हम इसे पलट कर 5 मिनट के लिए और धीमी आंच पर पका लेते हैं ताकि अच्छे से गल जाए। और देखिए दोबारा जब मैंने इसे खोला तो इसमें घी और भी ज़्यादा छूट चुका है और ये एकदम अच्छे से पक चुकी है। लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा और कलर पिंक चाहिए है, क्योंकि मैं यहीं पर इसे भूनती हूँ। यहाँ पर शकरकंदी को हमें अच्छे से घी में भून भी लेना है, तो मैं इसे 2-3 मिनट के लिए और ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से भून जाए और इसका कलर भी हल्का सा पिंक हो जाए। और देखिए ये हल्के से पिंक कलर में आने लगी है और सारा घी भी रिलीज हो चुका है। यहाँ पर शकरकंदी की भुनाई शुरू हो गई है। तो अब हम इसे पलटा से इस तरह से दबा कर देख लेते हैं, चम्मच में दबा कर बताती हूँ। देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और अब हम इसे पलटे से दबा कर मिलाकर और अब हम मेजर की सहायता से इसे इस तरह दबा देंगे ताकि इसके जो भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ये एकदम अच्छे से मैश हो जाता है, क्योंकि शकरकंद बहुत जल्दी पकता है और इस तरह हलवा बनाने से मेहनत बहुत कम लगती है और हलवा बहुत टेस्टी बनता है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखें। और अब हम इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए भून लेते हैं और जब ये किनारे छोड़ने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे दूध। इसमें देखिए केसर भी अच्छे से भीग चुका है और यहाँ पर आज हम मध्यम करके एक उबाली आने देंगे और फिर धीमी आंच पर इसको लगातार हिलाते हुए इसे भूनते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे और ये गाढ़ा होता जाएगा धीरे धीरे। देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हमने इसमें केसर डाला है और अब ये किनारे से भी छोड़ने लगा है, मतलब कि दूध सूख चुका है और इसमें अब नमी कम हो गई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए और भून लेते हैं। घी डालने से ये भुनेगा भी अच्छा और कढ़ाई में भी नहीं चिपकेगा। और आँच हमें यहाँ पर धीमी ही रखना है दोस्तों, हमें आँच तेज बिल्कुल नहीं करनी है, मीडियम लो पर ही हमें यह हलवा बनाना है। और इसे थोड़ी देर भूनने के बाद आप किनारे पर देखिए यहाँ पर घी के ड्रॉप्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि दूध पूरी तरह सूख चुका है और इसमें अब नमी नहीं है। तो यहाँ पर हम जायफल डालेंगे। जायफल दोस्तों हमें एक चुटकी डालना है, तो हम इसी के ऊपर इस तरह ग्रेट कर देंगे। सिर्फ एक चुटकी से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। इस तरह से मैंने यहाँ एक चुटकी ही डाला है और अब इसे हम मिक्स कर देंगे। और अब हम डालेंगे गुड़। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि ठंड के मौसम में बनाएं तो गुड़ ज़रूर डालें। इससे टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है और ये पौष्टिक हो जाता है, क्योंकि गुड़ जो है एकदम नेचुरल स्वीटनर है। और इसे हल्के हाथों से अब हम मिलाकर ढक देंगे। और आँच हमें यहाँ पर लो ही रखनी है, एकदम लो आँच पर ही हमें गुड़ को पकाना है। 2-3 मिनट में गुड़ पिघल जाएगा और अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाएगा। यदि आपने तेज आँच की तो गुड़ जल सकता है। देखिए यहाँ पर गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। यहाँ मैंने गुड़ को काट कर डाला था, जो मोटे पीस रह गए थे वो भी अच्छे से गल गए हैं। और अब हम इसे यहाँ पर मिक्स कर देते हैं दोस्तों। हलवा बहुत ही पौष्टिक होता है और शरीर को एनर्जी देने वाला और गर्मी देने वाला होता है, इसमें मिनरल्स भरपूर होते हैं। और अब हम यहाँ पर 2 चम्मच घी डालकर इसे 2-3 मिनट भून लेंगे। यहाँ मैंने देखिए 250 ml
घी निकाला था, लेकिन इसमें से आधा घी बच चुका है, मतलब 125 ml में ही हमारा हलवा रेडी हो गया है। और अब हम 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल देंगे। दोस्तों, शकरकंद का हलवा बिना ड्राई फ्रूट्स का ही बहुत टेस्टी लगता है। यदि आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेगा, और आप यदि इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट डालना हो डालिए, और आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।